आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। जनरली आपने थ्री टाइप्स के यूनिट्स सुने होंगे जब भी आप वर्क करते हैं लेबोरेटरी में, मोलर, मिलीमोलर या माइक्रोमोलर। तो ये तो जब कोई हम मोलरिटी का सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन बनाते हैं उसके लिए है, या फिर अगर आप लीटर के केस में देखेंगे तो लीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, और अगर ग्राम के केस में देखेंगे तो ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। अब जैसे कि हम आपको, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मोलरिटी के बारे में बताया था, तो मोलरिटी के बारे में आपको बताया था कि वन मोलर सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपको बताया था कि वन मोलर सोल्यूशन का मतलब कि जो भी मॉलिकुलर वेट है पर्टिकुलर कंपाउंड का, उस मॉलिकुलर, जो भी मॉलिकुलर वेट आया है उस मॉलिकुलर वेट को उतने ही ग्राम वे करके उसको वन लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमारा मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, वन मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे मॉलिकुलर वेट 40 है, तो 40 ग्राम को हम लेंगे और उसको वन लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो हमारा वन मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप सबसे पहले कि वन मोलर में कितने मिली मोलर होते हैं, तो आप ये एक प्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि 1000 मिली मोलर और 1 मिली मोलर में कितने माइक्रोमोल, 1000। तो अब आपको जैसे मान लीजिए, अब आपको कैसे करना है कि सिंपल आपको मोलर से मिली मोलर में चेंज करना है, तो आप मल्टीप्लाई इनटू 1000, फिर मिलीमोलर से माइक्रोमोल में करना है तो इनटू 1000, और अगर आपको सिंपल मोलर से माइक्रोमोल में करना है तो आप 1000 इनटू 1000 कह सकते हैं। तो इस तरीके से वन मोलर में 10³ मिलीमोल हो गया, वन मोलर में 1000 इनटू 1000 इसका मतलब हो गया वन मोलर में 10⁶ माइक्रोमोलर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम, या आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10³ और ये 10⁶। तो इस तरीके से आप जो भी आपका मोलर सोल्यूशन है, मोलर सोल्यूशन से मिली मोलर और मिली मोलर से माइक्रोमोल में गए। बट आप सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास 20 मोलर का सोल्यूशन है, अब इसको मिली मोलर में कन्वर्ट करना है तो आप बोलेंगे 20 × 10³ मिली मोलर। अब आपको इस मोलर सोल्यूशन को चेंज करना है माइक्रोमोल में तो आप बोलेंगे 20 × 10⁶ माइक्रोमोलर। तो ये तो आपने जैसे देखा मोलर से मिलीमोलर और माइक्रोमोलर में कैसे चेंज कर रहे हैं। अब आप सपोज आपको, आपके पास माइक्रोमोल में, माइक्रोमोलर में है सोल्यूशन और उसकी आपको मोलर में वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, तो जैसे आप इस, जो आपने ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसको सिंपली रिवर्स आप कर देंगे। अगर आपको मिलीमोलर में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, अगर तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 30 माइक्रोमोलर का एग्जांपल लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻³ मिलीमोलर। अब आपको इसको इसमें चेंज करना है, मतलब सॉरी इसको आप यहाँ से करेंगे, अगर आपको इसी वैल्यू को माइक्रोमोल मोलर में चेंज करना है, माइक्रोमोलर से मोलर में चेंज करना है तो 30 × 10⁻⁶। तो इस तरीके से आप जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे लीटर, लीटर आपको ये पता होगा, तो हाँ आप यहाँ पे एक चीज़ और हम मेंशन करना चाहेंगे, तो अब आप कह सकते हैं कि वन मोलर में 10³ मिली मोलर, या फिर आप बोल सकते हैं 1000 मिली मोलर, और वन मिली मोलर में 10³ माइक्रोमोलर, या फिर आप बोल सकते हैं वन मोलर में 10⁶ माइक्रोमोलर। इस तरीके से आपका पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब लीटर के केस में आते हैं तो वन लीटर में 1000 ml, और अब इस लीटर को अगर हम लोग माइक्रोलीटर में कि वन एमएल में कितना है, तो वन एमएल में कितना हो गया 1000 माइक्रोलीटर। बट अगर आपको वन लीटर में माइक्रोलीटर निकालना है तो 1000 × 1000 कर देंगे तो 10⁶ हो जाएगा,
इसका मतलब कि 1 लीटर में 10^6 माइक्रोलीटर होते हैं। इस तरीके से आपने इसको किया। अब आप ग्राम के केस में आएंगे तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम। तो और अगर आपको डायरेक्टली 1 ग्राम से माइक्रोग्राम में चेंज करना है तो आप क्या कहेंगे, 1000 × 1000 यानी 1000 × 1000 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 10^6 माइक्रोग्राम। इस तरीके से। और आपको सपोज इसका रिवर्स करना है कि माइक्रोग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो आप सिंपल, जैसे हमने आपको भी यहाँ पे बताया था कि आपको जब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाना है तो मोलर से मिली मोलर की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका रिवर्स करना है तो आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं 10^6 से। तो इस तरीके से आप जो भी है इस तरीके से आप यूनिट के कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन की। पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सपोज आपको 1 पार्ट्स पर मिलियन का सॉल्यूशन बनाना है, 1 ppm का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 मिलीग्राम के कंपाउंड को लेंगे, 1 मिलीग्राम वे करेंगे और उसको 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 1 ppm का सॉल्यूशन। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और कितने ml 1000 liter ml होते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम या तो हम लोग इसको मिलीग्राम पर लीटर में लिख सकते हैं या फिर क्योंकि 1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम में है और 1000 लीटर है तो दोनों को अगर हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 microgram per 1 ml। तो 1 ml में 1 microgram का सोल्यूशन है तो वो भी क्या कहलाएगा, 1 ppm का सोल्यूशन कहलाएगा। या फिर क्योंकि ये 1 milligram है तो हम 1 milligram इक्वल्स टू 1000 microgram तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 microgram per liter अगर है तो वो क्या हो जाएगा, 1 ppm का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये लिखा हो या आपको ये दिया हो सबका मतलब क्या है, 1 ppm सोल्यूशन। तो 1 ppm सोल्यूशन मतलब 1 milligram per liter ऑफ डिस्टिल वाटर, दैट इज कॉल्ड ppm सोल्यूशन। अब अगर आपको 1000 ppm का सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 gram को डिजोल्व कर देंगे 1 liter में या 1000 ml में, उसको हम लोग बोलेंगे 1000 ppm का सोल्यूशन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल साइट पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।